बस्ती पूरी चौरोली पूरा क्षेत्र आज बड़े दुख में है, बहुत बड़े शोक के उसमें। जैसे ही सीआईएसएफ जवान राहुल कुमार का शव अपने पैतृक गांव चौरोली पहुंचा तो पूरे गांव और क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। परिजनों की आंखें नम थीं और रो रो कर बुरा हाल था। इसी माहौल में शहीद राहुल कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चौरोली में कर दिया गया। दोस्तों, गांव चौरोली में सीआईएसएफ के जवान राहुल कुमार की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उन्हें उनके पैतृक गाँव लाया गया। शहीद राहुल कुमार के जो यात्रा थी, अंतिम यात्रा, उसमें हजारों लोग शामिल रहे। इसी बीच मेरे साथ गांव के ही पवन चौरोली हैं। ये भाई हमारा सीआईएसएफ में बम्बई ऑन ड्यूटी थी, वहाँ पे उनको ऑन ड्यूटी ही वो शहीद हुए वहाँ पे। अब ये तो अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किस कैसे हुआ है, बाकी अभी पुष्टि तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में होगी। बाकी पूरे गाँव के लिए गाँव का लाल गया अपने का, और पूरे क्षेत्र का, पूरे जेवर क्षेत्र में एक बड़ा, बहुत बड़ा शोक का संदेश है आज के टाइम में। बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जेवर से, जेवर कैलाश से हम उसको अपने, इनको शहीद भाई को पूर्व सम्मान के संग में उनको लेके आए यहाँ तक हम, और उनको पूरा जेवर से होते हुए, नीम का होते हुए सीधा चौरोली, पूरे चौरोली में घुमा, और पूरी बस्ती, पूरी चौरोली, पूरा क्षेत्र आज बहुत बड़े दुख में है, बहुत बड़े शोक के उसमें बैठा हुआ है। शहीद राहुल कुमार की शहादत को जेवर प्रेस की ओर से श्रद्धांजलि है। भगवान उनके जो पारिवारिक जन हैं उनको ढांढस बंधाए और उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। प्रातः 9 बजे राहुल कुमार का शव जेवर पहुंचा, जहां टप्पल रोड से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों युवा बाइकों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए इस यात्रा में शामिल रहे। जेवर से गांव चौरोली तक भारत माता के एक सिपाही की अंतिम यात्रा ने देखने वालों को शोक में डुबो दिया। करीब 11 बजे के करीब जवान का शव पैतृक गांव चौरोली पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम दर्शन के उपरांत शहीद राहुल कुमार का अंतिम संस्कार संपूर्ण नियम के साथ कर दिया गया। गांव चौरोली में शीघ्र में ही यह दूसरा हादसा है जब किसी सैनिक की शहादत पर पूरा गांव, पूरा समा गम के माहौल में डूब गया। इससे पूर्व सैनिक संदीप शर्मा की मौत ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया था। गांव चौरोली से मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।